हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा मंगलवार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विपक्ष की ओर से बलवीर वर्मा व मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा व निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा गया और सभी विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बार सत्र की 13 बैठकें होंगी, जिसमें 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। 29 फरवरी को बजट पारित होगा। इस बार 22 और 26 को गैर सरकारी सदस्य दिवस होगा। उन्होंने बताया कि 830 कुल प्रश्न विधानसभा को मिले हैं, तारांकित 600 और अतारांकित 230 प्रश्न हैं। वहीं नियम 130 में 15 चर्चाएं अभी तक मिल चुकी है। सर्वदलीय उपलीक दलीय, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी हमने बुलाए थे और अभी आज की इस मीटिंग में हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी और श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, जो माननीय CPS हैं और चीफ व्हिप भी हैं, वो और जयराम ठाकुर जी जो है अपने निजी कारणों की वजह से, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने दूरभाष पर मेरे से ये बात की थी, मैंने भी उनसे बात की और उन्होंने फिर अपनी तरफ से BJP पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से श्री वर्मा जी, हमारे जो हैं बलवीर सिंह वर्मा जी, उनको अधिकृत किया। वो आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे। इंडिपेंडेंट्स हमने सभी बुलाए थे, उसमें KL ठाकुर आ गए। हुशियार सिंह जी का फ़ोन आया है कि वो रास्ते में हैं, तो मीटिंग का समय 1 बजे था, तो इसलिए मीटिंग हमने 1:20 पर शुरू की। तो लगभग सारी रिप्रेजेंटेशन जो हाउस में, जो कांग्रेस की तरफ से, BJP की तरफ से और इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, सारी जो है रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में हुई और सारे जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई। मेनली तो जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि इस बार सेशन जो है उसकी 13 सीटिंग्स होंगी और उसमें 2 सीटिंग्स जो हैं प्राइवेट मेंबर्स डे की होंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है रूल्स के मुताबिक। तो उस दिन और कोई विषय नहीं लगता, सिर्फ नियम 101 के तहत जो विषय आते हैं और बैलेट से जो प्रायोरिटी लगती है, वही विषय जो है चर्चा में आते हैं और उसके लिए निर्धारित दिन होते हैं हमारे वीरवार। लेकिन चूंकि इस बार का शेड्यूल पार्लियामेंट के इलेक्शन की वजह से ये जो बजट सत्र है इसको फरवरी में करना पड़ रहा है, अन्यथा ये अप्रैल तक जाता है। फरवरी में शुरू होता है, मार्च पूरा जाता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाता है, इसलिए इसको रीशेड्यूलिंग में जो प्राइवेट मेंबर्स डे है वो एक तो 22 फरवरी को आ रहा है और दूसरा 28 को आ रहा है। एक दिन वीरवार है 22 को और एक दिन बुधवार है, तो रूल की हमने कंप्लाइंस कर दी है। और कल गवर्नर साहब माननीय सदन को एड्रेस करेंगे और उनके अभिभाषण के बाद जो है सदन स्थगित हो जाता है और कल क्वेश्चन आवर नहीं होता। शोकोद्गार वगैरह होगा सर कल? जो है उनका जो है जब गवर्नर एड्रेस होती है तो क्वेश्चन आवर नहीं होता है। अभी मैंने जो कल भी कहा था प्रेस से, मीडिया से, और मैंने गवर्नर साहब को जब मैं कल मिलने गया हूँ, जो एक जो फॉर्मली जो मुझे मिलना होता है सेशन से पहले, तो वहाँ उनके ध्यान में भी मैंने लाया है और पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट है कि इवन द सिटिंग मेंबर की भी अगर डेथ हो जाए तो उस दिन ऑब्चुरी भी होती है और सेशन भी पूरा दिन चलता है। तो उसी प्रेसिडेंस को मैं यहाँ शुरू करने के लिए मैंने चर्चा की है अभी कि कल जो है अगर ये चाहें सारे दल, और अभी जो चर्चा हुई है अंदर तो उसमें ऑलमोस्ट सहमति है। वहीं विपक्ष की ओर से शामिल हुए बलवीर वर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष व्यस्तता की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय देने की मांग रखी गई है। बजट सत्र ही एक ऐसा माध्यम है जहां विपक्ष अपने अपने चुनाव क्षेत्र की बातों को उजागर करता है। आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे विपक्ष के नेता, पूर्व रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने आना था। उनकी एक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम की वजह से, व्यवस्था की वजह से
वो नहीं आए, उन्होंने मुझे ऑथराइज किया इस मीटिंग के लिए। और इस मीटिंग में हमने माननीय अध्यक्ष से यही कहा है कि विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। ये जो बजट सेशन है यही एक विपक्ष के पास अपने अपने चुनाव क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश की पूरी बातें रखने का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल की थी उसमें बहुत सारी झूठी गारंटियां दी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे प्रदेश के अंदर नौकरियों से हटाए हैं। ये सारे इश्यू हम इस माननीय सदन में उठाएंगे, विपक्ष की तरफ से उठेंगे और सत्ता पक्ष इसका सभी इशू, जितने भी इश्यू है इनका रिप्लाई देंगे। हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने आना था, उन्होंने स्पीकर साहब से विनती की कि मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता। और हमारे जो आदरणीय श्री सुखराम जी है उनके घर में ट्रेजरी हुई, इसकी वजह से वो भी नहीं आ सके। फिर मेरे को ऑथराइज किया था इस मीटिंग के लिए, पर सीनियरिटी के हिसाब से हम भी इस विधानसभा में तीसरी बारी के विधायक हैं। और ये बात ठीक है कि जिनको आना था उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ सके, पर हमने इस मीटिंग में विपक्ष की सारी बातें रखी है, विपक्ष को सारा ज़्यादा समय दिया जाए और जो भी इस माननीय सदन में विपक्ष यहाँ पर मुद्दे उठाएंगे सरकार उसका गंभीरता से रिप्लाई दे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के लोग मौजूद रहे जिसमें सत्र के सुचारू ढंग से चलाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। विपक्ष सत्र के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में हमारी सर्वदलीय मीटिंग हुई है जिसमें सभी पार्टी के लोग रहे। ब्राक्टा जी हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो भी रहे हैं और भाजपा की तरफ से बलवीर वर्मा जी थे और निर्दलीय केएल ठाकुर जी भी इसमें उपस्थित रहे हैं। विस्तृत रूप से हमने इस सेशन जो है ये ठीक ढंग से चले, हमने विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है और हम सरकार की ओर से चाहते हैं कि विपक्ष जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, सकारात्मक रोल अदा करे और हम विपक्ष के हर जवाब देने को तैयार हैं। क्योंकि पिछला एक साल जो हमारी सरकार का रहा है, क्योंकि ये हमारा दूसरा मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं विस्तृत रूप से चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो और जो भी सुझाव विपक्षी ओर से आएंगे हमारी, तो ये पिछले एक साल में आपने देखा सदन के अंदर हम जो है कोई भी चर्चा जो विपक्ष लाता है हम उसको चाहते हैं कि वो अध्यक्ष महोदय उसको लिस्ट करे और विस्तृत रूप से चर्चा हो और सरकार जो है एक उसमें जवाब दे। जो अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी पूर्व में आए हैं उसको भी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अमल किया है। बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे इश्यूज जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसमें हामी भरते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सदन जो है वो स्मूथली फंक्शन करे और आज जयराम जी नहीं आए यहाँ पर, वैसे तो सर्वदलीय मीटिंग में उनको आना चाहिए था। बीजेपी के चीफ विप जो है वो भी नहीं आए हैं, उन्होंने अधिकृत जो है वर्मा जी को किया है। तो हम चाहते थे कि भी विस्तृत रूप से एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो और जो भी विपक्ष की तरफ से और माननीय विपक्ष के नेता की तरफ से सुझाव होंगे हम उन पे जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और सदन जो है स्मूथली चले, ये हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता रहती है। और निश्चित रूप में विपक्ष का एक अपना रोल है, विपक्ष की अपनी एक जगह है और उनकी एक आवाज़ और सदन के अंदर सरकार की हम चाहते हैं वो आलोचना भी करें, सरकार की जो कमियां हैं वो भी सदन में उजागर करें ताकि हमको भी ये पता लगे कि भी सरकार की क्या कमियां हैं और हम उसको जो है उसको किस तरह से उसको जो है करेक्ट कर सकते रहे।